केरल में एक बार फिर निपाह वायरस की पुष्टि हो गई है। निपाह वायरस ने एक बार फिर से इंडिया में दस्तक दे दिया है। बीमारी के लक्षण की अगर बात करें तो यह एक बीमारी दिमागी बुखार जैसा ही है, जिसे आप इंसेफेलाइटिस कहते हैं। इसमें सिर दर्द, तेज बुखार, सुस्ती, उलझन, यादाश्त का कमजोर होना, भ्रम होना, मिर्गी आना, दौरे पड़ना, कोमा में चले जाना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। यदि इस तरह के लक्षण आपके साथ या किसी आपके अन्य परिजनों के साथ हो रहा है तो आपको सलाह दी जाती है कि तत्काल उसका मेडिकल चेकअप कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। केरल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। 311 लोग चिकित्सीय निगरानी में देखे जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 6 डॉक्टरों की टीम भी गठित कर दी है। आपको बताते चले कि इस बीमारी को फैलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि कोई निभाता है तो वह है चमगादड़ सुअर और निपाह पीड़ित वह व्यक्ति, वह मरीज। इसके लिए कोई टीका अभी तक नहीं बना है। लक्षण के आधार पर होता है इसका इलाज। सावधानी ही इससे बचाव के उपाय है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। निपाह वायरस में की बात करें, निपाह वायरस इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार का ही एक रूप है। इसमें सिर दर्द, तेज बुखार, सुस्ती, उलझन, यादाश्त कमजोर होना, दौरे आना, बार बार परेशानी होना, घबराहट होना, इस तरह की परेशानियां होती हैं। यदि इस तरह की शिकायत किसी को भी नजर आए तो उसे तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना चाहिए। अब एक नजर दौड़ाते हैं पिछले साल पर। पिछले साल में निपाह वायरस से 17 लोगों की जाने चली गई थी। जी हाँ, 17 लोगों की मौत हो चुकी थी। सबसे इस पर खोज जारी है, लेकिन अब तक इसके लिए कोई सटीक उपाय व टीका नहीं बनाया जा सकता है। सावधान रहे। कैसे सावधान रहना, आपको जरा सोचिए। वे सभी फल जो पेड़ों से आते हैं, जहाँ चमगादड़ आसानी से पहुँच जाते हैं, उतरे हुए फल आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि चमगादड़ से ही यह वायरस फैल रहा है। आम, केला, संतरा जो ऊंचाई पे लगते हैं, ऊंचाई पे फलते हैं, वहाँ पे चमगादड़ आसानी से पहुँच जाते हैं और वहाँ पे उस फल को खाते हैं। वही फल मार्केट में आता है और किसी न किसी रूप में आपके पास चला जाता है। जो भी फल खाएं, जो भी चीजें रख देखें, वह एक बार जरूर चेक करें कि वह कहीं उतरा हुआ तो नहीं है। और दूसरी बात यह भी ध्यान रखें कि फलों का रस पीते समय ये भी ध्यान रखें कि जिस फल का रस बनाया जा रहा है वही फल है आपके सामने किया गया या पहले से कटा हुआ तो नहीं है, पहले से रस बनाया गया तो नहीं है, पहले से इसका जूस निकाला गया तो नहीं है। तो तमाम तरह की सावधानियां आपको रखनी होगी, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इससे हम बचाव कर पाएंगे और उन लोगों को भी जागरूक कर पाएंगे जो लोग इससे बिल्कुल अनजान हैं और उन्हें जानकारी नहीं है। तो सावधानी ही इसका उपाय है। निपाह वायरस एक जानलेवा वायरस है। अब जरा एक नजर हम देखते हैं इस इकोसिस्टम चार्ट को। आप देख सकते हैं कि आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ एक पेड़ है जहाँ पे दिखाया गया है कुछ फल है, फिर यहाँ चमगादड़ आसानी से वहाँ पहुँच पा रहे हैं और वहाँ से वह फल किसी व्यक्ति विशेष या किसी महिला के पास पहुँचता है, परिवार में पहुँचता है, वह उसको खाती है और वह बीमार पड़ जाती है। दूसरी बात, सुअर से ये पहुँचता है। तमाम तरह की चीजें हैं जिससे आप अपनी सावधानी से और अपनी बुद्धिमानी से ही इसका बचाव कर सकते हैं। अपने लोगों को सावधान करें, निपाह वायरस एक जानलेवा है। जी हाँ, निपाह वायरस एक जानलेवा संक्रमण रोग है, परेशानी है, इससे बचाव करना है तो आपको सावधानी रखनी होगी। संक्रमित हो जाने पर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इससे मिलते जुलते लक्षण आपको भी दिखाई देते हैं तो निपाह वायरस का टेस्ट जरूर कराएं। जी हाँ, निपाह वायरस का टेस्ट जरूर कराएं। सावधानी ही आपका बचाव है। जी हाँ, निपाह वायरस से सावधानी।